इस वक्त एक अहम खबर दिल्ली से। 2.5 साल की मासूम से रेप करने वाले जो दरिंदे हैं उनकी पहली तस्वीर आईबीएन 7 के पास आ गई है। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरह से दो दरिंदे एक 2.5 साल की मासूम को बाइक के बीच में बैठाकर ले जा रहे हैं। आप भी देखिए, ये दिल्ली के हैवान जिन्होंने 2.5 साल के एक मासूम बच्चे के साथ बलात्कार किया और फिर उसे एक पार्क में फेंक कर चले गए। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों में इन हैवानों का चेहरा तो हालांकि नहीं दिख रहा है, लेकिन इनके हुलिये से, इनके डील डॉल से इनकी पहचान की जा सकती है। आईबीएन 7 भी सभी दिल्ली वालों से ये अपील करता है कि जिस किसी को भी इन दरिंदों के बारे में कोई भी जरा सी भी जानकारी हो तो पुलिस को बताए, जिससे कि उनको इनके किए की सजा दी जा सके। हमारे सहयोगी रवि सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और विस्तार से जानकारी के साथ। रवि, जाहिर है कि पुलिस तक भी ये तस्वीरें पहुंची होगी, क्या कुछ हेल्प, कुछ मदद मिल सकती है पुलिस को इन तस्वीरों के जरिए? क्या पुलिस कह रही है, अब तक कहां पहुंची? देखिए, पुलिस जो है अभी इन इन दोनों आरोपियों की जो है पहचान कर रही है और इनकी अभी तलाश जारी है, लेकिन सीसीटीवी के कैमरे के जरिए जो इनकी तस्वीरें सामने आई है, निश्चित तौर पुलिस को उसकी जो पड़ताल में काफी मदद मिल सकती है। फिलहाल अभी यहाँ पे बता दूं कि जो पीड़ित बच्ची है उसको अभी एडमिट कराया गया है संजय गांधी अस्पताल में, उसका इलाज चल रहा है और यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे हुए हैं हालचाल जानने के लिए कि इलाज में किसी तरीके की कोताही ना बरती जाए। तो ये अभी इससे पहले जीटीबी अस्पताल गए थे, अब इसमें संजय गांधी अस्पताल पहुंचे हैं और हालचाल ले रहे हैं। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी रवि सिंह एक और जानकारी हम तक जो पहुंचा रहे हैं। इससे पहले ट्वीट भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया था और केंद्र सरकार पर निशाना साधा था, दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा था कि आखिर क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री और दिल्ली पुलिस आखिर क्यों नहीं लगाम लगा पा रही है इन चीज़ों पर। और साथ ही साथ जिस तरह से सहयोगी हमारे रवि सिंह बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, परिवार वालों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर काफी अहम, ये तस्वीर, चेहरा हालांकि साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक डील डॉल जिस तरह से है उससे एक आइडिया लगाया जा सकता है और हो सकता है कि पुलिस को भी इस तस्वीर से कुछ मदद मिले। और आईबीएन 7 भी लगातार दिल्ली वासियों से ये अपील कर रहा है कि अगर आपने भी कहीं इनको देखा हो तो तुरंत आप पुलिस को इस बाबत सूचित करें। रवि, उनके साथ किया गया और पूरी दिल्ली के अंदर अब ये तीसरी छोटी बच्ची की घटना एक हफ्ते के अंदर आई है और अगर हम सब लोगों ने मिलकर कुछ नहीं किया तो इस तरह के हादसे दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम सबको मिलकर दिल्ली के अंदर ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जिसमें हमारी बच्चियां, हमारी माँ बहनें सुरक्षित महसूस कर सकें, जो कि अभी नहीं हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, हम दिल्ली सरकार की तरफ से भी जो कुछ कर सकते हैं हम कर रहे हैं ताकि इस किस्म के हादसे ना हों, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि इसमें पुलिस को सबसे ज़्यादा, पुलिस का रोल आता है, पुलिस को जो कुछ भी हो एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा दिल्ली के अंदर कि सुरक्षित महसूस कर सकें सारी महिलाएं। और हम बार बार कोशिश कर रहे हैं पुलिस के साथ काम करके इसको ठीक करने के लिए, और लेकिन इसमें प्रधानमंत्री जी को पर्सनली इंटरवीन करना पड़ेगा। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती जा रही है और पुलिस सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी के अंडर में आती है। मैंने पहले भी अपील की थी कि प्रधानमंत्री जी हफ्ते में 10 दिन में घंटा भर निकाला करें, मुझे बुलाएं, पुलिस कमिश्नर साहब को बुलाएं, एलजी साहब को बुलाएं, हम सबको बिठा के स्थिति का जायजा लें और स्थिति तभी सुधरेगी, नहीं तो पुलिस अभी बिल्कुल किसी भी के भी कंट्रोल में नहीं है। तो उसको तो हमें सबको मिलके इसको करना ही पड़ेगा, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से जो कुछ भी है उसको हम लोग करेंगे। हम लोग करेंगे, हम लोग कर रहे हैं, कमजोर नहीं, हम करेंगे, सबसे करेंगे, सबसे आराम से, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। मेरे सहयोगी रवि सिंह लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। रवि, अभी आपने भी सुना होगा मुख्यमंत्री बाहर निकले हैं उस बच्चे के पर, चलिए हम रवि से दोबारा से संपर्क साधेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर आपने सुना जो बच्ची के परिवार वालों से मुलाकात कर बाहर आए, तो पत्रकारों के बीच इस वक्त पत्रकार उनसे सवाल यहाँ पर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम विमेन सेफ्टी की, जो कि इससे पहले वो सत्ता में भी जब आए तो ये भी एक अहम मुद्दा था विमेन सेफ्टी का लेकर, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपने लेवल पर जो कर सकते हैं वो करेंगे, कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की जहां तक बात है क्योंकि उसी का रोल सबसे बड़ा है और जाहिर सी बात है क्योंकि वो उसके अंडर नहीं आती है, तो निशाना साधते हुए यहां पर केंद्र सरकार पर और दिल्ली पुलिस पर एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल।
आई एम विलिंग टू कॉपरेट, प्लीज आस्क एलजी वेदर ही इज विलिंग टू कॉपरेट और नॉट। एलजी का और पुलिस का केवल एक ही काम रह गया है, हम लोगों के काम में रोज टांग अड़ाना। वो हमारे काम में टांग अड़ाने की बजाय एमएलए को रोज गिरफ्तार करने की बजाय अगर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा करना चालू करें तो ज्यादा अच्छा होगा एलजी के लिए। रवि तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो रवि आपने यहां पर सुना होगा मुख्यमंत्री क्या कह रहे थे, एक बार फिर से विमेन सेफ्टी की जब यहां पर बात की गई और इसी को कहकर क्योंकि जब वो सत्ता में आए तो एक विमेन सेफ्टी भी उनके अगर मैनिफेस्टो की बात करें लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया। ये ठीक है कि रेली पुलिस उनके अंडर नहीं है लेकिन तालमेल भी तो दोनों में नहीं है कि मिलकर चला जाए तो शायद इससे निपटा जा सके। रवि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं, ये वही दो हैवान हैं जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने 2.5 साल की एक बच्ची को जो कि रामलीला देख रही थी वहां बैठी थी, 2 मिनट के लिए लाइट चली जाती है वहीं से उस बच्ची को अगवा किया जाता है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है और फिर उसे पार्क में छोड़ दिया जाता है। बहुत गंभीर हालत में लड़की मिलती है परिवार वालों को, जब सब जगह ढूंढा जाता है परिवार वाले भी परेशान हो जाते हैं, पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं, आरोप ये लगा रहे हैं जो बच्ची के परिजन हैं वो आरोप ये लगा रहे हैं कि काफी कहा भी गया, सूचना भी दी गई पुलिस को लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने वो गंभीरता वो सतर्कता जो दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई और ये एक लापरवाही का ही नतीजा है कि जो बदमाश है वो भाग गए। अगर वक्त रहते कार्रवाई पुलिस करती या उस वक्त कोई एक्शन लेती तो बच्ची को उसके उन दोनों के चुंगुल से बचाया जा सकता था जो कि दो इस वक्त यहां आपको इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं, ये वही दो दरिंदे बताए जा रहे हैं जिन्होंने उस 2.5 साल की मासूम के साथ बलात्कार किया है। क्या और जानकारी इस वक्त रवि तक पहुंच पा रही है? हम सीधे रवि से बात करते हैं। रवि देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि जो एलजी और दिल्ली पुलिस और यहाँ तक कि पीएम पर भी उन्होंने हमला बोला है कि दिल्ली सरकार के कामों में ये लोग जो है टांग अड़ा रहे हैं, काम करने नहीं दे रहे हैं ठीक तरीके से। और एक तरीके से अभी जीटीबी अस्पताल में भी जब गए थे उन्होंने बयान दिया था कि पीएम की जिम्मेदारी ही बनती है क्योंकि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर नहीं आती, केंद्र सरकार के अंडर आती है तो उनको कुछ टाइम निकालना चाहिए हफ्ते लेकिन रवि महीने। रवि ये बात तो शायद मुख्यमंत्री को तब भी पता है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बुलाएं, एलजी को बुलाएं और लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर वो बातचीत करें तो निश्चित पता। देखिए ये दोनों जो मैटर है, दोनों जो ये घटनाएं सामने आई है, दुर्घटनाएं सामने आई है, इस पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री और उपराज्यपाल पर सीधे तौर पर जो ठीका बोल रहे हैं ठीक है रवि की दिल्ली पुलिस उनके अंडर नहीं आती है, ठीक है ये बात ठीक है कि दिल्ली पुलिस उनके अंडर नहीं आती है लेकिन ये बात तो मुख्यमंत्री तब भी जानते रहे होंगे इस बात को जब वो पूर्व मुख्यमंत्री पर शीला दीक्षित पर जिस तरह से आरोप लगाते थे या जिस तरह की बातें करते थे ये बात तो वो तब भी जानते होंगे। तो किस बिना पर तब उन्होंने विमेन सेफ्टी को इतने जोर शोर से उठाया था, अपने मैनिफेस्टो में भी रखा था, तब क्यों इस तरह की बातें और आज क्यों वो सुर बदले बदले से हैं? निश्चित तौर पर पहले के बयानबाजी और अब के बयानबाजी में इनके बहुत ज्यादा फर्क है। पहले बयानबाजी यही देते थे कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित क्यों इतनी लाचार है, जब बांडावरण की स्थिति बिगड़ती है तो आंखें में क्यों मूक दर्शक बनी हुई है, कोई काम क्यों नहीं कर पाती। अब वही स्थिति इनके ऊपर आई है, सेम सिचुएशन, मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल इस समय दिल्ली के, जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है, इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ा जाता है। ये सही है कि दिल्ली पुलिस जो है दिल्ली सरकार के अंडर नहीं है लेकिन दिल्ली में जो प्रशासन है और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते हैं तो इस तरीके के बयानबाजी के सीधे तौर पर पीएम पर हमला बोलना दिल्ली कहीं कहीं अपने आप में एक दर्शाता है कि इस पूरे मामले पर राजनीति भी हो रही है। बिल्कुल, और हमें ये लगता है हम यही कहेंगे कि इस मामले पर क्योंकि बहुत ही संवेदनशील थोड़ा सा एक यहाँ पर गंभीर होने की भी जरूरत है, सीरियसली इसको देखे जाने की जरूरत है कि इस तरह का ये मामला है तो संवेदनहीनता के बजाय थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाई जाए और इस तरह से राजनीति करने से थोड़ा सा बाज यहाँ आना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो दिल्ली सरकार ही क्यों ना हो। लेकिन रवि जब बच्ची के परिजनों से मिले, क्या बच्ची के परिजन बता रहे हैं, उनसे क्या बात हुई, किसी तरह का कोई आश्वासन मिला, कोई बात हुई? देखिए अभी मुख्यमंत्री सीधे वार्ड के अंदर गए थे और जहां पर वो उस बच्ची का इलाज चल रहा है, जहां पर एडमिट है वहां पर अंदर
मुलाकात भी की है और ये सीधे तौर पर कहा है कि इलाज में किसी तरीके की कोताही नहीं बरती जाएगी। अस्पताल प्रशासन से भी इसी तरीके के आदेश दिए हैं और ये कहा है कि जो लोग भी आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाएगा, गिरफ्तारी होगी और परिवार वालों को, पेरेंट्स को पूरी तरीके से इन्होंने हालांकि आश्वासन दिया है। वार्ड के अंदर अब से थोड़ी देर पहले मुलाकात करके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां से निकल चुके हैं। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी रवि सिंह लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, इस बाबत हमें जानकारी दे रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं आईबीएन 7 पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये वही दो बदमाश हैं, वही दो जिन पर ये आरोप लगा है कि इन्होंने ही, और यहाँ आप देख भी सकते हैं कि बीच में बच्ची नजर आ रही है, ये सर्कल जो आप लाल सा ये यहाँ पर देख रहे हैं गोला, ये बच्ची का सिर यहाँ पर नजर आ रहा है। रामलीला देखने ये बच्ची गई थी अपने घर के पास ही और फिर उसके बाद 2 मिनट के लिए लाइट चली जाती है, लाइट कट जाती है। इसी दौरान ये दोनों जो दिखाई दे रहे हैं बाइक पर सवार हैं, ये अपने इस घिनौने काम को अंजाम देते हैं, बच्ची को वहां से अगवा करते हैं, उसके साथ बलात्कार करते हैं और फिर उसको जाके पार्क में छोड़ देते हैं। तो ये तस्वीरें, हालांकि कितनी मदद मिल पाएगी इस वीडियो के जरिए, इस तस्वीर के जरिए दिल्ली पुलिस को, ये देखने वाली यहां पर बात होगी। लेकिन लगातार दिल्ली पुलिस भी सवालों के घेरे में है, जिस तरह की उसकी भूमिका यहां देखी गई कि जब उसको सूचना दी गई उसने उसको उतना सीरियसली नहीं लिया। परिजन लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जो बच्ची है वो वहीं पास में गई थी, अचानक से लाइट चली जाती है और लाइट ऐसा भी नहीं कि बहुत देर के लिए गई हो, सिर्फ 2 मिनट, और उसी के बीच ये अपने इस काम को अंजाम दे जाते हैं।